भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और कप्तान हार्दिक पांड्या ने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूसरे T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड पर 6 विकेट से जीत दर्ज करने के लिए भारत का मार्गदर्शन किया। रविवार को लखनऊ का एकाना क्रिकेट स्टेडियम। भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज में 6 विकेट से जीत के साथ 1-1 बराबरी की। पीछा करते समय भारत तेजी नहीं ला सका और सूर्य कुमार से ज्ञात एक और किरकिरी ने उन्हें लाइन में खड़ा कर दिया। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। 100 रनों का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत खराब रही और उसने सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को 11 रन पर खो दिया। ईशान किशन और राहुल त्रिपाठी की जोड़ी ने इसके बाद प्रभारी को संभाला क्योंकि उन्होंने नियमित अंतराल पर सीमाओं को पटक दिया। हालांकि यह साझेदारी अधिक समय तक नहीं चल सकी क्योंकि ईशान किशन को 32 गेंदों में 19 रन बनाकर पैकिंग के लिए भेजा गया। खेल के 11वें ओवर में ईश सोढ़ी की शानदार गेंद पर राहुल त्रिपाठी आउट हुए। त्रिपाठी 13 रन बनाकर वापस झोपड़ी में चले गए। भारत ने नियमित अंतराल पर विकेट गवाए और बल्लेबाज ठोस साझेदारी नहीं कर पाए। मैच के 15वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर अपनी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए और रन आउट होने पर टिकनर ने उन्हें आउट कर दिया। इसके बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की जोड़ी ने टीम इंडिया की पारी को तेज कर दिया क्योंकि ये दोनों सिंगल लेते हुए रन बटोरते रहे। आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। ब्लेयर टिकनर को आखिरी ओवर के लिए गेंद सौंपी गई। न्यूजीलैंड के गेंदबाज ने कुछ शानदार गेंदें फेंकी लेकिन वह सूर्य कुमार यादव को ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगाने और भारत के लिए 6 विकेट की नर्वस जीत का दावा करने से नहीं रोक सके। न्यूजीलैंड ने अच्छी शुरुआत की क्योंकि फिन एलेन ने अपने हाथ खोले और कुछ मजबूत बाउंड्री लगाई। हालांकि क्रीज पर एलन का कार्यकाल युजवेंद्र चहल द्वारा छोटा कर दिया गया जिन्होंने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज को 10 रन पर 11 रन पर बोल्ड कर दिया। पारी के 5वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर पार्टी में शामिल हो गए क्योंकि उन्होंने डेवोन कॉनवे को 11 रन पर हटा दिया, न्यूजीलैंड को छोड़ दिया 28/2 पर टटोला। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स को दीपक हुड्डा ने महज 5 रन बनाकर वापस पवेलियन भेज दिया। इसके बाद खतरनाक बल्लेबाज डेरिल मिचेल बल्लेबाजी करने आए। भारतीय गेंदबाजों को 8 रन बनाकर मिशेल को पवेलियन भेजने में देर नहीं लगी। 10 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 48/4 पर लड़खड़ा रहा था। मेहमान टीम 20 ओवरों में 99 रन से अधिक का स्कोर नहीं बना पाई क्योंकि वे नियमित अंतराल पर विकेट गंवाते रहे। युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, दीप हुड्डा और वाशिंगटन सुंदर सभी ने एक एक विकेट लिया। अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए। मिचेल सेंटनर ने न्यूजीलैंड के लिए 23 गेंदों पर 19 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया।